रीवा को रेड जोन के दायरे में लाने में आम लोगों का नहीं शासन प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाई। आप सब यही कह रहे हैं, सोच रहे हैं, इसी के चलते रीवा के दवा विक्रेता भी सड़कों पर उतर आए हैं, अपनी दवा दुकानें बंद कर दी हैं। देखिए शमीम सौदागर की यह रिपोर्ट। रीवा में इंदौर से चलकर जबलपुर के रास्ते सतना के बाद रीवा पहुंचे दो कोरोना पेशेंट के चलते हाहाकार मचा हुआ है। जिसे देखो वही शासन के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा। रविवार की रात कोरोना वायरस से संक्रमित दो लोग रीवा लाए जाते हैं। सोमवार की सुबह से ही इसके साइड इफेक्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। लॉकडाउन के दौरान खुली रहने वाली दवा की दुकान पूरी तरीके से बंद हो गई। जनता में भय का माहौल। रीवा शहर का हर व्यक्ति चाहता है कोरोना से संक्रमित मरीज को रीवा से तत्काल बाहर भेजा जाए। आमतौर पर दवा की दुकान में रहने वाली भीड़ यह साबित करती थी रीवा में मरीजों की संख्या काफी है। यह अलग बात है कोरोना का एक भी पेशेंट रीवा में नहीं था, लेकिन अन्य बीमारियों के पेशेंट को अगर दवा ना मिली और उनके साथ कोई अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विरोध हम लोगों का कोई नहीं है, हम लोग केवल डर के कारण दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। अभी तक तो यहाँ कोई केस आया नहीं था, इसकी वजह से हम लोग श्योर थे कि चलो यहाँ बचा है। हम लोग पूरी प्रिकॉशन के साथ काम कर रहे थे, पर अब जब से ये पेशेंट आ गए हैं तब से इतना डर का और भय का वातावरण हो गया है कि हम लोग काम कैसे करेंगे। और इसी डर की वजह से ही पूरी मार्केट को में लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी हैं। कोई हम लोगों का उससे कोई दबाव और कोई वह नहीं है, केवल डर, जो डर का माहौल है वो बहुत है। हमारा जो माहौल है ना, इसी तक क्रिएटिव करके रखे हैं ये लोग। इस हमारे मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भेजा गया तोहफा ही है, क्या करें सर। फुल फिटिंग सब काम कर रहे थे अभी तक बगैर डर के, अब कोरोना पेशेंट मिलने के बाद सब डर गए, सारे मेडिकल कॉलेज वाले कैसे करें। तो हमारे समाज वासी तो बचाए और इनको वापस नहीं अपने यहाँ इंदौर वापस भेजा जाए इनको।